नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूँ। आज वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि फाइनली एक या दो दिन पहले आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर बुक आ चुकी है मार्केट में। आप कहीं भी हैं, आपके आसपास में ये बुक अवेलेबल होगी। पहले से आप स्पीडी पढ़ते आ रहे होंगे, स्पीडी भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एक छोटा सा क्विक रिवीजन करने के लायक आपका एडिटोरिया बहुत अच्छी बुक है। हम आपको इसको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, शायद ये अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि ये अभी 6 महीने की ही आई है। तो 6 महीने के आप इसे कर लेंगे, जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक है, और आपका बाकी का 6 महीने जो बच रहा है वो आप करेंगे स्पीडी के वार्षिकांक से, ठीक है। एक बात और बताना चाहते हैं कि कल से आपका एडिटोरिया करेंट अफेयर का जो सीरीज है वो सीरीज यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही कम समय में, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आपको याद करवा दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग का क्लब का नाम ही है स्टूडेंट मैजिक क्लब, तो उसमें कुछ मैजिक है, तभी तो मैजिक नाम रखा गया है। तो आपको इस ढंग से याद करवाया जाएगा कि आपको बिल्कुल एग्जाम तक वो नहीं भूलिएगा, और हर एक बात उसमें रिलेट करके याद किया करवाया जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी इसमें प्रैक्टिस सेट है उसको याद करवाया जाएगा, उससे पहले भी जितना सारा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, नियुक्तियां, आपको क्या करना है, नियुक्तियां अभी नहीं याद करना रहता है क्योंकि ये चेंज होते रहता है। तो जब एग्ज़ाम आएगा तब नियुक्तियां या फिर कैबिनेट के मिनिस्टर वगैरह आप याद करेंगे। चूँकि ये करेंट अफेयर जिस टाइम निकाला था उस टाइम कैबिनेट के मिनिस्टर तो अलग से थे, और अभी बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो नियुक्तियां अभी आप नहीं याद करें तो भी अच्छा है, तो ही अच्छा रहेगा। आप नियुक्तियां को आखिरी टाइम में याद करेंगे, ठीक है। कल से आपका बिल्कुल फनी मूड में, बिल्कुल अच्छी ढंग से करेंट अफेयर के लिए सीरीज आएगा, एडिटोरिया से ही करवाया जाएगा, ताकि आपको एक लंबे समय के लिए याद रहे, लंबे समय तक याद रहे। बाकी बचे हुए 6 महीने को आप स्पीडी वार्षिकांक से करेंगे, पीछे इसमें से बाकी 6 महीने का जो भी जनवरी से पहले आएगा आप पहले इधर का भी कर लेंगे, मतलब स्पीडी से भी करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर जून, जुलाई तक, और इधर एडिटोरिया से भी आप करेंगे। क्योंकि सब कुछ अच्छा रहा तो आपका एग्जाम मे भी सितंबर में हो जाए, सब कुछ अच्छा रहा तो, नहीं तो आगे भी जा सकती है, ठीक है। और बाकी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए। आपके लिए टेलीग्राम का वो जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप था वो अब एक चैनल बना दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको अब समय समय पर किसी भी टॉपिक का या फिर फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा, विदाउट कॉस्ट लिया जाएगा, कोई उसके लिए चार्ज नहीं रहेगी। पहले आप लोग अपने से खुद का परीक्षण करेंगे, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट मारिएगा। बहुत जल्द ही हम लोग लेके आने वाले हैं, चैनल बन चुका है, चैनल पे आप सभी को ज्वाइन करने के लिए लिंक दे दिया जाएगा, आप सभी उस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग दिन रात एक करके पढ़े, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार दरोगा बनना है तो बनना है। मकसद आपका एक ही होना चाहिए, दरोगा डबल स्टार, ठीक है। हम लोग का योगदान हो चुका है, मेरा 8 तारीख को गया में था, चूँकि हम अरवल जिला से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का DIG IG रेंज गया पड़ता है, तो वहाँ पे 8 तारीख को मेरा योगदान था, तो योगदान ख़त्म हो गया। अब आगे शायद मेडिकल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, पता नहीं अब कब बुलाया जाएगा। 14 तर वहाँ पे DU हो रहा है, तो 14 के बाद ही अब जब बुलाया जाए, ठीक है। तो आपको किसी भी कीमत पे इस बार दरोगा बनना है तो बनना है। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी हो करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े आप करिए, ठीक है। 24 घंटा में 20 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन आप पढ़िए, आप दरोगा बनिए। दरोगा एक बार बन के देखिए कितना अच्छा अनुभव होता है, कितना अच्छा फीलिंग आएगा, आसपास वाले कितना इज्जत करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, बहुत खुशी होती है। आप एक बार बनिए तो सही, ठीक है। तो आपके लिए कल से एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक को उठाया जाएगा, उसको उसके बारे में बता दिया जाएगा, एडिटोरिया से रहेगा, एडिटोरिया एक PDF जैसा बना करके हम बता दिया जाएगा। जिनके पास बुक है वो बुक में देख लेंगे, जिस तरह से ट्रिक लगाया जाएगा उस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे,
और जिनके पास बुक नहीं है तो वो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, चूँकि वीडियो रिकॉर्डर से आपका पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, तो उस पे से आप स्क्रीनशॉट करके आराम से रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।